तो गाइस कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग। तो आज जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव होगा उसको ये अपडेट पता चल चुका होगा। मैं आज बात करने वाला हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड एक ऐसे कमाल के अपडेट के बारे में जो कि आपको हिला डालेगा। तो सभी अगर मार्वल स्टार फैन है जो कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स करते हैं या ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उनको पहले ही अपडेट पता चल चुका होगा और ये वीडियो किसके बारे में होने वाली उनको ये पता है। तो इस वीडियो में बहुत सारी स्पॉइलर है, तो अगर किसी को स्पॉइलर नहीं जानने हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड जाके बाहर निकलो वीडियो से, और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो मार्वल डाइट फैन है तो वो उस वीडियो को कंटिन्यूस कर सकता है। तो आज की इसकी वीडियो में ऐसा स्पॉइलर होने वाला है जो कि मार्वल्स डाइट फैन है जो कि सोचता है कि थिएटर में ये देखने को मिले, ये देखने को मिले, जिससे कि थिएटर की सीटें तोड़ दें, सब कुछ मतलब बुरा हाल हो जाए, फैंस का गला बैठ जाए चिल्ला चिल्ला के कि यार ये क्या हो गया मूवी में। आज वो हमें अपडेट पता चला, मार्वल्स की दो ऐसी इमेज लीक हुई है जिसमें कि ऐसी चीजें कंफर्म हो जाती है जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। तो चलिए बिना किसी देरी से सबसे पहले इस वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं। और गाइस स्पॉइलर है तो वार्निंग के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मार्वल्स की मॉर्निंग में। आज हेनी जॉन जो कि एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर दो इमेजेस को लीक करा। जी हाँ, उन्होंने अपना लोगो लगा दिया। उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफी यही करी, ठीक है, लीक्स आई थी उनको अपना लोगो नहीं लगाना चाहिए था, पर लोगो लगा दिया और ये काफी ज्यादा वायरल हो गई। तो सबसे पहले जो इमेज आई है हमारे आंखों के सामने वो हिला डेले वाली है। जी हाँ, काफी टाइम से मार्वल फैंस वेट कर रहे थे कि डेयरडेविल का एक्टर कब होगा स्पाइडरमैन में। काफी बार डिनाई करा गया, काफी लोगों ने स्पॉइलर दिए, लीक्स आए, बट आज की जो इमेज है वो 100% प्योर है। जी हाँ, कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली, रेडिट अकाउंट पे भी दी के आप खुद चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। और ये है वो इमेज, आप इस इमेज को देखिए जिसमें कि बगल में टॉम होलैंड बैठे हैं, हैप्पी बैठे हैं, आंट में बैठी है और सामने डेयरडेविल एक्टर बैठा हुआ। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल का सीन होने वाला है। जब ये सीन मैं थिएटर में देखूंगा मैं तो पागल होने वाला हूँ। और देन ये इसलिए 100% प्योर है, पहली बात तो ऑफिशियली जो उसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कंफर्म प्रूफ दे दिया है कि ये इमेज ओरिजिनल है। प्लस आप देख सकते हो स्पाइडरमैन की टी शर्ट्स, उसका वो जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा था, देन उसके साथ इससे कंफर्म हो जाता है कि भाई आपको ये सीन देखने को मिलेगा। और ये जब से लीक हुआ है टेविन फाइगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, उन्होंने अपनी बंदूकें लोड कर ली है, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। और सोनी और केविन फाइगी ने ऑफिशियली ऑर्डर दे दी कि इस इमेजेस को टेकडाउन कर लिया जाए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर भविष्य में, वो तो पता नहीं, पर फिलहाल के लिए अभी इन इमेजेस का मजा लो। देन दूसरी जो सेकेंड इमेज आई है वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। दूसरी इमेज में एंड्रू गारफील्ड, टॉबी मैकफॉय और टॉम हॉलैंड एक ही साथ में, एक ही फ्रेम में, एक ही सीन में, और शायद वो सामने किसी से बात कर रहे हैं। चारों तरफ पानी है, छोटा सा एक जहाज टाइप का है, कुछ भी है, जहाँ तो मुझे लग रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि समथिंग ऐसी थ्योरी आई है कि फाइनल एंडिंग का जो सीन होगा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास लड़ाई होती नजर आएगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। तो गाइस ये वो दो इमेजें रिवील्ड हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, पर हाँ थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि लीक इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सोनी अब तो ट्रेलर रिलीज कर दो, अब क्यों इंतजार कर रहे हो भाई, अब इतनी सारी लीक्स आ चुकी है, अगर अभी भी कुछ रिवील नहीं करोगे अपने ट्रेलर में तो फैंस दोबारा से डाउन चले जाएंगे, समझ रहे हो ना, ट्रेलर रिलीज करो भाई। तो गाइस आपको कैसी लगी ये इमेजेस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन नेक्स्ट ट्रेलर रिलीज होगा 15 तारीख के बाद। जी हाँ, मंडे से 15 तारीख से पहले तो रिलीज नहीं होना है, और उसी के साथ 12 तारीख को नवंबर को, ठीक है, अपना डिज्नी प्लस डे है, तो जिसमें कि मून नाइट, सैंडो, ओबी-वन केनोबी, मिस मार्वल, शी हल्क, हॉकाई के फर्स्ट लुक टीजर वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब सीरीज की जो अपकमिंग अपडेट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अपडेट रहना, यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको जो अच्छे अपडेट्स हैं उनके ऊपर आपको वीडियो बना के दे सकूं। क्योंकि देखो मेरी जॉब चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और जैसे मेरे को एक घंटे का ब्रेक मिला मैंने तुरंत इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोची कि यार खाना खाने से बेटर यार पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करा जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जा रहा हूं।